वेलकम दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ ये वीवो का कमाल का स्मार्टफोन T25G, जिसकी डिजाइन तो मजेदार है ही। इसके ऊपर अलग अलग लाइट कंडीशन में देख सकते हो, मजेदार कलर्स भी देखने को मिलती हैं। क्या आपको पता है ये वीवो का पहला स्मार्टफोन है जो 20,000 रुपए के नीचे की प्राइस यानी 19,000 रुपए में 64 मेगापिक्सल OIS कैमरा लेकर आता है। और इस मोबाइल के मैं आज आपको कमाल दमाल हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनको जानने के बाद में आप बोलोगे मजा आ गया। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस मोबाइल के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यानी कि लॉक स्क्रीन पर कौन कौन से इफेक्ट सेट कर सकते हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके लिए आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर। इसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जाना है। इसको यहाँ से ऑन करने के बाद में अंदर जाने के बाद में देख सकते हो कितनी ज्यादा वॉच मिल जाती है मजेदार इफेक्ट के साथ में। तो भाई ये सब इस प्राइस सेगमेंट में मिलना काफी ज्यादा मजेदार बात है। सी ऑल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे उसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद में देखोगे आपका स्मार्टफोन जब भी लॉक रहेगा तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ऐसा साइन मिलेगा जो इस मोबाइल को और भी तगड़ा बनाएगी। इसके बाद में बैक आना है और पिक्चर तो अभी स्टार्ट हुई है। यहाँ पर आप ऐसी वॉच सेट कर सकते हो जैसे कि ये वाली, इस तरीके से जिसका कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कलर्स वगैरह, यहाँ पर डेट वगैरह इनका चेंज कर पाओगे। लेकिन एक और मजेदार चीज बता देता हूँ, सिग्नेचर के अंदर जाना है, यहाँ पर आप अपना नाम टैप कर सकते हो, जो भी नाम लिखना चाहते हो उसकी साइज को यहाँ पर बड़ा छोटा कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अंदर जाकर नेम टैप होने के बाद में डन कर देना है। और नीचे आने के बाद में आप इसका कलर भी चेंज कर पाओगे, जैसे ये डुअल कलर हो गया, कितने मजेदार कलर्स मिल जाते हैं। फिर अप्लाई करने के बाद में देखोगे लॉक स्क्रीन के ऊपर आप अपना नाम भी देख सकते हो। तो इसके बाद में गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको यहाँ पर आना है बैग। बैग आने के बाद में एक और मजेदार चीज बता देता हूँ, इसके अंदर आपको यहाँ पर मिलता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल टैप टू बैग, इन तीनों को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में देखोगे डबल टैप करते ही आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा, डबल टैप करते ही आपका स्मार्टफोन ऑन हो जाएगा। लेकिन बीच में आपने क्या एक चीज नोटिस की, जैसे ही मेरा स्मार्टफोन लॉक होता है तो डिस्प्ले इस तरीके से ऑन ऑफ होती है। यहाँ पर देख सकते हो ऑफ, फिर इस तरीके से ऑन। ये करने के लिए भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग सबके कभी ना कभी काम जरूर आती है। तो इस मोबाइल के अंदर आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। लेकिन एक नुकसान क्या है, इसमें मिलता है गूगल डायलर। इसका नुकसान ये है, जब भी आप कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करते हो तो सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि अपन ने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन की है, तो ये अगले को पता नहीं चले। तो जिसके लिए आपको एक सेटिंग करनी है, जैसे मैं आपको सिंपली बता दूं, पहले तो हम यहाँ पर कुछ कोड लगाते थे गूगल डायलर को हटाने के लिए, *#*#5566888*#*#*#, लेकिन अब ये कोड लगाकर इसमें आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में। फिर सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर आपको सिंपली इस तरीके से नीचे आने के बाद में एप्स मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर नीचे आने के बाद में इनेबल अल्टरनेट फोन एंड कॉन्टेक्ट्स मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसको ऑन कर देना है। फिर ओके करना है, फिर सेट नाउ करना है, फिर यहाँ पर आपको ये ग्रीन वाला डायलर कर देना है। अब आप देखोगे यहाँ से गूगल डायलर हट चुका है, अब आप बेझिझक होकर कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको मोबाइल में सिम डालकर रखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर कॉल सेटिंग में जाना है, फिर आपको रिकॉर्ड कॉल्स मिलेगा, जिसके अंदर जाकर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके डायनेमिक इफेक्ट में कौन कौन से मजेदार इफेक्ट मिलते हैं। इस मोबाइल को और मजेदार बनाने के लिए आपको आना है सेटिंग में, फिर डायनेमिक इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो एम्बिट लाइट का ऑप्शन मिलता है, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में इसमें कौन कौन सी लाइट मिलती है, सिंपली आपको लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन के अंदर जाना है और देख सकते हो जब भी आपको किसी का भी नोटिफिकेशन आएगा, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह का, तो यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले पर एज में ऐसी लाइट मिलती है जो आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हो। और इसके साइज को बढ़ाना तो इधर की तरफ स्लाइड कर दीजिएगा, और टाइम भी सेट कर सकते हो कि कितनी देर तक चलनी चाहिए। तो अब आपको किसी का भी नोटिफिकेशन आएगा तो ऐसी लाइट देखने को मिलेगी स्क्रीन के ऊपर, और मोबाइल को और मजेदार बनाएगी। लेकिन एक चीज बता दूं, ये कॉल आने के ऊपर लाइट नहीं चलेगी जैसे कि बैक वाली सीरीज में चलती थी। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिलता है होम स्क्रीन एंट्रिंग एनिमेशन आफ्टर अनलॉक। मोबाइल को जब भी अनलॉक करते हो तो एप्स वगैरह ऐसे निकल कर आते हैं, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो, जैसे इस स्टाइल में, इस स्टाइल में, इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे उसको अप्लाई कर देना है। इसके बाद में आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में इस मोबाइल में आपको इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी इसको अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पर ऐसा एनिमेशन है, लेकिन इसको चेंज कर सकते हो, डिजाइन में बना सकते हो, जिसके लिए आपको फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। और देख सकते हो ये वाला कितना कमाल का है, जिसको सिंपली अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद में बैक आना है, और आप देखोगे गाइज इस स्टाइल में ये वाला इफेक्ट हो चुका है।
तो किस तरीके से छोटी छोटी चीजें होती है जो मोबाइल को और स्मार्ट बनाती है, और स्मार्टफोन में ये वाली होनी चाहिए। यहाँ पर आपको फेस लॉक में भी एनिमेशन मिलता है, जैसे कि फेस लॉक से अनलॉक करते हो तो ऐसा लॉक मिलता है, लेकिन जिसकी जगह पर स्माइल वगैरह और ये वाले इफेक्ट सेट कर सकते हो अप्लाई करने के बाद में। और इस स्मार्टफोन को जब भी चार्ज लगाते हो तो आपको चार्जिंग एनिमेशन ऐसा मिलता है लॉक स्क्रीन के ऊपर, जिसको आप यहाँ पर रंग बिरंगे स्टाइल के अंदर चेंज कर सकते हो। इसके बाद में स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन मिलता है, जो मैंने आपको बताया था, जब भी स्मार्टफोन को लॉक करोगे तो ऐसे एनिमेशन की तरह लाइट ऑफ होगी, जैसे कि इधर से लाइट ऑफ फिर इधर से लाइट ऑन। तो इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हो अलग अलग, जैसे कि एक ये वाला हो गया, फिर ये जो हमने पहले से कर रखा है, और इसके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, फिर अप्लाई कर देना है। अब दिखाता हूँ गाइस, जैसे कि यहाँ से देख सकते हो ऑन फिर ऑफ इस तरीके से। सबसे ज्यादा मजेदार चीज इसमें ऐप लोन मिलता है, यानी कि फोन पे व्हाट्सएप ये सब आप एक साथ में दो दो चला सकते हो, जैसे कि जिसके लिए आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर नीचे मिलेगा ऐप्स, ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है, और अब आप देख सकते हो ऐप लोन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें जाने के बाद में ये वाले ऐप्स है, जैसे फेसबुक हो गया, स्नैपचैट, व्हाट्सएप भी डाउनलोड कर रखा है तो उसको भी डुअल चला सकते हो। इन सबको आपको यहाँ से ऑन करके इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर सभी को मैंने डुअल कर दिया है, तो आप देख सकते हो गाइज, जैसे कि यहाँ पर फोन पे भी डुअल हो चुका है, स्नैपचैट भी डुअल हो चुका है। तो इस तरीके से आप डुअल फेसबुक एक साथ में एक मोबाइल में यूज कर सकते हो। इस मोबाइल में आपको 16 मेगापिक्सल का तो सेल्फी कैमरा और 64 मेगापिक्सल ओएस कैमरा मिलता है। तो इसके कैमरा में कौन कौन से मोड्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले नाइट मोड मिलता है, नाइट मोड के बाद में पोर्ट्रेट मोड मिलता है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर आप स्टाइल के ऊपर क्लिक करोगे, अपर्चर के ऊपर क्लिक करके जैसे बैकग्राउंड में जो लाइट आ रही है उसको स्टाइल में बना सकते हो इन इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो इनमें आप अच्छी फोटोग्राफी कर पाओगे। इसके बाद में बता देता हूँ, जैसे फोटो के अंदर आप हाईएस्ट जूमिंग इसके अंदर 10x तक कर सकते हो फोटो और वीडियो के अंदर। वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो इसके अंदर आप 1080p 60fps में हाईएस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। और इसमें ओएस कैमरा मिलता है, जिसमें स्टेबिलिटी वीडियो भी बना सकते हो, दौड़ते हुए चलते हुए तो स्टेबल मोड में वीडियो बना सकते हो। यहाँ पर मैक्रो मूवी का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्या होता है कि आप पर छोटी छोटी क्लिप रिकॉर्ड कर सकते हो, जहाँ पर आपको ये अपने आप एडिट करके दे देगा। मोर के अंदर आने के बाद में डॉक्यूमेंट्स, प्रो मोड, डुअल व्यू वीडियो, जिसमें फ्रंट और रियर दोनों कैमरे से एक साथ में वीडियो बना सकते हो। पैनोरामा मोड, यहाँ पर टाइम लैप्स, डुअल एक्सपोजर, 64 मेगापिक्सल कैमरा, स्लो मोशन, एआर स्टिकर, लाइव फोटो, ये सारे मोड्स मिल जाते हैं इसके कैमरा में। अगर आप इस मोबाइल में ऐप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ऐप हाइड या ऐप लॉक लगाना चाहते हो तो मजेदार तरीके से लगा सकते हो, जिसके लिए आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में, फिर प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में देख सकते हो ऐप इंक्रिप्शन, ऐप हाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके लिए आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा, जिसपे पैटर्न या फिर कुछ भी सेट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर पैटर्न सेट कर दिया। अब आपको यहाँ पर दो फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जो क्या काम आएंगे, जब भी आप पासवर्ड भूल जाओ तो इन आंसर का जवाब देकर यहाँ पर फॉरगेट कर सकते हो। तो मैंने टेम्परेली एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी सेट कर दिया है, तो आपको यहाँ पर एक वर्चुअली सभी सही करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑन कर देना है। अब इन ऐप के ऊपर लॉक लग चुका है, जो मैंने यहाँ पर सेट किया था। ऐप हाइड के बारे में बता देता हूँ, जैसे एक बार आपने वो लॉक लगाया था उसको अनलॉक करना है, फिर यहाँ पर आपको टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के बाद में जैसे कि फिंगरप्रिंट भी सेट कर सकते हो, जो फिंगरप्रिंट आपने अगर लगा रखा है तो। व्यू हिडन ऐप्स को ऑन कर देना है, और यहाँ पर अब आप देख सकते हो कोई भी ऐप को हाइड करते हो तो उसको ओके कर देना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। अब आपको ये ऐप हाइड होने के बाद में मिलेंगे कहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप होम स्क्रीन पर आ चुके हो, अब आपने जो ऐप हाइड किए थे वो देखने हैं, तो आपको टू फिंगर से ऊपर की तरफ स्लाइड करना है, और यहाँ पर जो आपने फिंगरप्रिंट या लॉक जो भी लगा रखा है उसको अनलॉक कर देना है। अब आप देख सकते हो आपके सामने वो वाले ऐप आ चुके हैं जो आपने हाइड किया था। तो दोस्तों, है ना कमाल की ट्रिक से। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं आपको सबसे ज्यादा मजेदार स्मार्टफोन बनाने के लिए जो चीजें होती है वो बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मोबाइल को इस तरीके से शेक करके फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, या फिर यहाँ पर आपको किसी का भी कॉल आता है तो फ्लैश लाइट ऑन होनी चाहिए, या फिर वीडियो कॉल में आप बातें करते हो तो उसमें गोरे दिखाई देने चाहिए, वो सब मैं बताऊंगा। जिसके लिए आपको आना है मोबाइल की सेटिंग में, शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले बता दूं, फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल इसके अंदर जाकर यहाँ से ऑन कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कोई भी ऐप्स डाउनलोड कर रखा है तो उसके अंदर ब्यूटी मोड में गोरा दिखने चाहते हो तो जिसको ऑन कर देना है। क्योंकि क्या होता है ना, इंस्टाग्राम पर तो अपन को ब्यूटी मोड मिल जाता है, फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन इन ऐप के अंदर फिल्टर वगैरह नहीं लगा सकते। तो आप इनमें जो भी डाउनलोड करके रखोगे उसको ऑन कर देना है, फिर गोरे होकर दिखोगे। इसके बाद में आपको बैक आना है, इसमें मिलता है क्विक एक्शन।
ये क्या काम आता है, जिसे आपका स्मार्टफोन लॉक है और अभी फ्लैश लाइट के ऊपर हो रखा है तो आप ये वाला बटन दबा के रखोगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इसकी जगह पर आप कोई दूसरी चीज़ भी सेट कर सकते हो, जैसे कि रिकॉर्डिंग करना चाहते हो जासूसी में, जैसे स्मार्टफोन लॉक है अब आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो बटन दबा के रखोगे तो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, आपको भी पता नहीं चलेगा। लॉक से अनलॉक करने के बाद में देखोगे रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर नीचे आने के बाद में कोई ऐप भी सेट कर सकते हो, जो भी ऐप आप ज़्यादा यूज़ करते हो जैसे क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी ऐप है। इसके बाद में आपको बैक आना है, बैक आने के बाद में स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिलता है, इसमें सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट। इसको ऑन करने के बाद में क्या होगा, जैसे आप होम स्क्रीन पर हो मोबाइल को इस तरीके से सेक करोगे तो जल्दीबाजी में फ्लैश लाइट ऑन करनी है तो आप इस तरीके से फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे, यहाँ पर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में एक बार फिर से वहीं पर जाना है शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी में। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का तो मैंने आपको बताया था, डबल टैप करते ही लॉक, डबल टैप करते ही ऑन, इन तीनों को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में देखोगे डबल टैप करते ही लॉक हो गई स्क्रीन, डबल टैप करते ही ऑन हो गई। इसके बाद में गाइस आपको लेकर चलता हूँ एक बार फिर से वहीं पर, यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट वेक का ऑप्शन। इसमें क्या होता है, इन सभी को ऑन कर देना है और गेस्चर वगैरह मदद मिलती है इसमें। ड्रो ई, इसकी जगह पर भी आप कोई ऐप चुन सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर फेसबुक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले मिलता है स्वाइप अप पे, फिर स्वाइप डाउन, ड्रो एम, ये सब आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन से गेस्चर की मदद से कर सकते हो। जैसे ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो यहाँ पर इसकी लाइट ऑन हो जाएगी क्योंकि पासवर्ड लगा रखा है तो अनलॉक नहीं होगा, और नीचे की तरफ स्लाइड करूंगा तो इस स्मार्टफोन का कैमरा ओपन हो जाएगा लॉक स्क्रीन से डायरेक्टली। और यहाँ पर मैं ड्रो ई करता हूँ, जो मैंने ई पर वो ऐप सेट किया था वो यहाँ से अनलॉक करते ही मैं उसके अंदर डायरेक्टली पहुँच जाऊँगा। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे कि गाइज यहाँ पर मैंने डायलर ऑन किया है, इसके बाद में मैंने यहाँ पर फोन पे ऑन किया है। अब मुझे डायलर के अंदर जाना है तुरंत से, यानी कि इस एप्लीकेशन से जो पहले एप्लीकेशन यूज़ की थी उसके अंदर जाना है। तो आप क्या करोगे, बैक आकर यहाँ पर फिर जाते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर इसके ऊपर थ्री बटन पर डबल टैप करोगे तो डायलर के अंदर आ जाओगे, वापस डबल टैप करोगे तो फोन पे के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर इन ऐप के आइकॉन को सेट करना चाहते हो, मतलब छोटा बड़ा करना चाहते हो, या फिर यहाँ पर इधर स्लाइड करते हो तो ये पेज आता है गूगल डिस्कॉर्ड, जो कोई काम का नहीं होता। इसको हटाना चाहते हो होम स्क्रीन से, जिसके लिए आपको जाना होगा होम स्क्रीन पर टैप करना है, होम सेटिंग में जाना है, यहाँ पर गूगल डिस्कॉर्ड मिलेगा, इसको बंद कर देना है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ राउंडेड कॉर्नर्स मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसकी साइज को इस तरीके से राउंडेड से आप इधर कर सकते हो। अगर इसको छोटा करना चाहते हो तो इधर सेलेक्ट करोगे तो इनकी साइज छोटी हो जाएगी। अब आपको बता दो, जैसे कि देख सकते हो इनकी साइज छोटी हो चुकी है, बड़ा करना है तो इधर की तरफ स्लाइड कर देना है। और यहाँ से ये गूगल डिस्कॉर्ड पेज वाला भी हट चुका है। इस मोबाइल में जो ये नीचे बटन मिलते हैं इनको हटाना चाहते हो या फिर बैक बटन को राइट में लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको आना है मोबाइल की सेटिंग में, सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है, सिस्टम नेविगेशन पर जाना है। यहाँ पर देख सकते हो आप बैक बटन को अगर राइट में करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब बैक बटन राइट में आ चुका है, या फिर बटन को हटाना चाहते हो तो गेस्चर के ऊपर क्लिक कर देना, बटन बिल्कुल स्लाइड होकर हट चुके हैं लेकिन फिर भी एक नीचे की साइड में लाइन दिखाई दे रही है। अगर इसको भी हटाना चाहते हो तो हाइड बॉटम बार के ऊपर क्लिक कर देना है, अभी लाइन भी हट चुकी है। बैक आना है तो इधर से स्लाइड करना है, बैक आना है तो इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो, और नीचे से स्लाइड करोगे तो होम स्क्रीन पर आ जाओगे। दोस्तों जैसे आपका स्मार्टफोन लॉक है और लॉक स्क्रीन के ऊपर आप अपना नाम सेट करना चाहते हो, यहाँ पर तो नाम भी सेट कर सकते हो। और इसके अलावा एक चीज़, जैसे किसी का भी मैसेज आता है तो लॉक स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है, तो आप चाहते हो कि जब स्मार्टफोन लॉक रहे तो यहाँ पर मैसेज वगैरह श्योर ना हो। और एक और मज़ेदार चीज़, जैसे आप जितनी बार लॉक करते हो स्मार्टफोन को तो अलग अलग वॉलपेपर चेंज होते हैं इसके हर बार। अगर इसको ऑफ करना चाहते हो तो आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की सेटिंग में। सिंपली आपको मोबाइल की सेटिंग में आना है, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आ जाना है होम सेटिंग के अंदर, सॉरी गाइज यहाँ पर बैक आना है, लॉक स्क्रीन सेटिंग के अंदर आना है। अब पहले तो मैं बता दूँ, जैसे आप लॉक स्क्रीन के ऊपर अपना नाम लिखना चाहते हो तो ए टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर जाकर आप कुछ भी अपना नाम टैप कर सकते हो, फिर आपको लॉक स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉक स्क्रीन के ऊपर अपने आप वॉलपेपर बार बार में चेंज होते हैं, जितनी बार भी लॉक करके अनलॉक करते हो, तो यहाँ पर उसको अगर चेंज नहीं करना चाहते हो तो आपको जाना है लॉक स्क्रीन स्टाइल के अंदर, सॉरी यहाँ पर आपको आना है लॉक स्क्रीन पोस्टर के अंदर। इसमें आने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन पोस्टर वॉलपेपर, इसको यहाँ से बंद कर देना है, डिसेबल कर देना है। अब आप देखोगे आप जितनी बार भी लॉक करोगे या फिर लॉक करके अनलॉक करोगे तो आपके स्मार्टफोन में वॉलपेपर अपने आप चेंज नहीं होगा। अब जैसे आपको लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन शो होते हैं तो आप चाहते हो कि बंद करना, तो यहाँ पर आपको आना है मोबाइल की सेटिंग में, नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन के ऊपर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में डू नॉट शो कर देना है। अब आपका स्मार्टफोन जब भी लॉक रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर लॉक स्क्रीन में मैसेज वगैरह नहीं शो होंगे। इस मोबाइल के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल फुल करने के बाद में आपको लगता है कि थोड़ी बहुत और आवाज़ साउंड होना चाहिए था तो बिल्कुल बढ़ा सकते हो, जिसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आ जाना है, नीचे की तरफ स्लाइड करना है, साउंड क्वालिटी एंड साउंड प्रोफाइल्स, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में लिसन एक्सपीरियंस कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है।
एयर कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद में इसको यहाँ से ऑन कर देना है। अब आपको यहाँ पर अबाउ 60 ईयर ओल्ड कर देना है और आप देखोगे गाइस साउंड क्वालिटी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के मैंने आज आपको काफी सारे कमाल के हिडन फीचर्स बताए हैं। अगर आप इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हो तो आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको कमेंट करना होगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपने जो भी क्वेश्चन किया उसके ऊपर वीडियो बना डालूंगा। और गाइज वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर मिलता है और इसकी प्राइस है 19,000 रुपए, जिसमें आपको 6128 और 8128 मिलता है 21,000 रुपए में, और 64 मेगापिक्सल OIS कैमरा और इसमें आपको 5000 mAh बैटरी भी मिल जाती है। तो गाइज ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा वो भी बताना और इस प्राइस सेगमेंट में बिल्कुल आप इसे खरीद सकते हो। तो गाइज थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।